इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। न्यूज बुलेटिन में आज का दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी वीवी गिरी। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। विक्रमशिला सेतु पर हर दिन जाम, नहीं मिल रहा समाधान। विक्रमशिला सेतु से लेकर बाईपास रोड तक लोग जाम से त्राहिमाम कर रहे हैं। इस परेशानी में निकलने का प्रशासन को भी मानो कोई समाधान नहीं मिल रहा है। सड़कों पर किसी भी समय लंबा जाम लग रहा है। इस वजह से घंटों भारी वाहन बुरी तरह से सड़कों पर जहां तहां फंस जाते हैं। इस कारण एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले लोगों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं गुरुवार को भी सुबह से शाम तक ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित रहा। वाहनों का बाईपास रोड पर लंबा जाम लगा रहा। बारिश में भागलपुर जिले के सड़कों पर भी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे राजद विधायक रामविलास पासवान। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के निवा मोड़ के समीप हुए सड़क दुर्घटना में प्रपैती के आरजेडी विधायक रामविलास पासवान बाल बाल बच गए हैं। विधायक को सर में हल्की चोटें आई है। जानकारी के अनुसार विधायक एक बैठक में सम्मिलित होने के उपरांत जगदीशपुर होते हुए अपना घर वापस जा रहे थे। इसी क्रम में पुरैनी की ओर से आ रही एक ट्रक ने उनके वाहन में जोरदार ठोकर मार दिया। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया है। विधायक का उपचार जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। मीटिंग में आए थे, मीटिंग समाप्त कर हम लोग जा रहे थे जगदीशपुर होकर के, ट्रक जो है धक्का मार दिया, पंखा लग गया पूरा, जाकर के माथा से शीशा फट गया, सर में बहुत ज़्यादा चोट आ गया। नवगछिया में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, पुलिस कर्मी उनके परिवार के सदस्यों समेत कुल 21 लोग पॉजिटिव। नौगछिया में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। कुल 21 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित लोगों में लगभग 13 पीड़ित पुलिसकर्मी व उनके परिवार के सदस्य हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ नौगछिया शहर के मुमताज मोहल्ला बाजार में कुल 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तेतरी गांव का भी एक ऑटो चालक संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्यों को भागलपुर मायागंज भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि नौगछिया शहर में संक्रमित पाए गए सभी लोगों को मायागंज जाने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सुबह तक सभी संक्रमित लोगों को अस्पताल पहुँचा देने की तैयारी विभागीय स्तर से की जा रही है। वहीं संक्रमित पाए गए लोगों में सभी लोग कहीं भी बाहर से आए हुए व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आए हैं। अधिकांश को पता भी नहीं है कि वे अपने दैनिक दिनचर्या में कहां संक्रमित हो गए। नौगछिया में एक साथ 21 लोगों के संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अनुभवी कर्मियों का मानना है कि अगर यही हालात रहे तो नौगछिया का प्रत्येक व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। इसके लिए अभी कुछ दिनों तक कंटेनमेंट जोन का सख्ती से पालन कराया जाना जरूरी है। दूसरी तरफ रोगियों की संख्या को देखते हुए अब नौगछिया में और ज्यादा सैंपलिंग जांच बढ़ाने की जरूरत है और नौगछिया में ही आइसोलेशन वार्ड बनाने की नितांत आवश्यकता है। नवगछिया में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 200 के हुई पार। नौगछिया में कोविड-19 के रोगियों की मिलने की संख्या पिछले 10 दिनों में काफी इजाफा हुआ है। नौगछिया अनुमंडल में अब संक्रमित हुए लोगों की संख्या 200 के पार हो गई है। अनुमंडल में अब तक 3500 लोगों की सैंपलिंग की गई है। संक्रमित लोगों में कोरोना के 70 एक्टिव केस हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है। नए रोगियों की संख्या में इजाफा आने से रिकवरी रेट प्रभावित हुआ है। संतोषजनक बात यह है कि पिछले दिनों मिले 70 रोगियों में महज 50% लोगों में ही कोरोना के सिम्टम मिले हैं, जबकि 50% लोगों में कोई सिम्टम नहीं है। ये लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जानकारी मिली है कि नौगछिया में कोरोना का एक भी रोगी गंभीर हालत में नहीं है और सबों के वापस सकुशल घर लौटने की उम्मीद है। नवगछिया कंटेनमेंट जोन में और ज्यादा सख्ती की है जरूरत। सिर्फ आम लोग कर रहे लॉकडाउन का पालन, खुले आम चल रहे रसूखदार लोगों के वाहन। नवगछिया में अब 50 से अधिक कोरोना के एक्टिव मामले हैं। ऐसे में इसके विस्तृत चैन के अनुमान
से ही लोगों के रेंगटे को खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ नौगछिया में कंटेनमेंट जोन को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। गुरुवार को कई अनावश्यक दुकानें बंद रही तो दूसरी तरफ आवश्यक सेवा, किराना, दवा और कुछ संस्थान खुले रहे। बाजार में वाहनों का प्रवेश भी कम हो रहा है, लेकिन रसूखदार लोग अपने बोलेरो और स्कॉर्पियो और लग्जरीज वाहनों से खुलेआम कंटेनमेंट जोन में घूमते देखे जा रहे हैं, जबकि आम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। नौगछिया पुलिस के स्तर से कहीं भी पुलिस की अस्थायी प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, गश्ती दलों के द्वारा ही कंटेनमेंट जोन का पालन करवाया जा रहा है। वहीं बताते चलें कि कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद नौगछिया के कई रोड व गली में कई तरह की दुकानें भी खुली हुई है। नवगछिया में 60 लोगों का जांच के लिए लिया गया सैंपल। नवगछिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना संक्रमण मरीज के चयन को तलाश कर उनका सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गुरुवार को डुमरिया से तिंडी अस्पताल में जाने वाली 60 मरीजों की चयन से जनजर हो जाने का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। जांच में चौड़े सैंपल की मांग को लेकर नवगछिया पुलिस के जवान साथ साथ नवगछिया शहर के जी दास के नेतृत्व में लोग शामिल है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक अनिश्चितकालीन अमरन अंशन ने बताया है सभी लोग पॉजिटिव ने बताया कि स्थानीय अधिकारी सांसद विधायक सैंपल जनप्रतिनिधियों पर दियारा के लोगों को ठगने एवं उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जमकर कोशा। इस दौरान उन्होंने कहा कि तिंटेगा दियारा में लगभग 15 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी जनसभा के अलावे विभिन्न कार्यक्रम में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावे पूर्व सांसद व निवर्तमान सांसद एवं गोपालपुर विधायक ने भी कई बार ग्रामीणों को आश्वासन दिया था, मगर आज तक दियारावासी को आश्वासन के झुंझुना के अलावा कुछ नहीं मिल पाया है। अब तक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों के द्वारा अब तक इस सड़क के निर्माण के लिए या पुनर्निर्माण के लिए मरम्मति के लिए क्या पहल की गई है? स्थानीय प्रतिनिधि से क्या पहल हुई है, लेकिन इस रोड को टेंडर में बोला डाला गया है, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। अब क्या कारण है ये तो प्रशासनिक आदमी ही जाने, क्यों नहीं टेंडर। कारगिल शहीद रतन सिंह के स्मारक पर चढ़ाए श्रद्धा सुमन। गोपालपुर थाना क्षेत्र के 83 गांव के कारगिल के अमर शहीद रतन सिंह के स्मारक पर ग्रामीणों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके अदम्य साहस और शौर्य को याद किया। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय के दौरान 2 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाते हुए शहीद हुए थे। मौके पर उनके पुत्र रूपेश कुमार व बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी देखी गई। ढोलबज्जा प्रखंड संघर्ष समिति ने चलाया जागरूकता अभियान। कोसी पार ढोलबज्जा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर प्रखंड संघर्ष समिति ने सीमावर्ती पूर्णिया जिले के विजय लालगंज पंचायत के कई गांव एवं ढोलबज्जा पंचायत के ढोलबज्जा दियारा एवं खैरपुर कदुआ पंचायत के नंद ग्राम कदुआ गांव में ग्रामीणों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया। मौके पर समिति के सदस्य विनीत आनंद सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया के स्टेशन रोड में अनाधिकृत रूप से बेचे जा रहे मांस। नवगछिया स्टेशन रोड के स्टेशन के ठीक सामने मांस की 4-5 दुकानें अनाधिकृत रूप से खुलेआम चलाई जा रही है। नवगछिया के कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी गुरुवार को भी मांस की दुकानें खुली हुई थी और मटन की दुकान पर विभत्स तरीके से बकरे को मारकर टांग दिया गया था। नवगछिया के स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। लोगों का कहना है कि महज 3 से 4 दुकानदारों के कारण नवगछिया स्टेशन रोड का वातावरण दुर्गंधमय हो जाता है। आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने स्टेशन रोड पर अनाधिकृत रूप से मटन और चिकन बिकने का विरोध किया है। श्री यादव ने कहा कि जब नगर पंचायत मांस के लिए मांस हाट का व्यवस्था कर चुका है तो स्टेशन रोड पर मांस की दुकानों का चलना औचित्यपूर्ण नहीं है और यह अमानवीय है। मांस विक्रेताओं ने बताया कि वे लोग वर्षों से यहां दुकान चला रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने आपत्ति नहीं की थी।
वहीं पूछे जाने पर नौगछिया थाना अध्यक्ष दरोगा दिनेश कुमार ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के संदर्भ में वरीय पदाधिकारी से जो भी आदेश मिला है उसका पालन सख्ती से कराया जाएगा। साथ ही पुलिस द्वारा लोगों को मास्क चेकिंग के लिए जागरूक करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। आम लोगों का साथ मिला तो हम लोग निश्चित रूप से कोरोना की लड़ाई में जीत जाएंगे। विक्रमशिला सेतु के नीचे जहाजवा घाट को बंद करने का कार्य प्रारंभ। इस्माइलपुर प्रखंड को बाढ़ से बचाने हेतु पुनः इस वर्ष जिला पार्षद विपिन कुमार मंडल द्वारा जन सहयोग से विक्रमशिला सेतु के डाउनस्ट्रीम में स्थित जहाजवा धार के मुख को बंद करने का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। जिला पार्षद विपिन मंडल ने बताया कि जल संसाधन विभाग के असहयोग के कारण जन सहयोग से जहाजवा धार का मुख बंद करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 16 भैंस की चोरी के मामले में एक गिरफ्तार। भैंस चोरी करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी नदी थाना क्षेत्र के कहारपुर निवासी भिखारी यादव को नदी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नदी थाना अध्यक्ष मोहम्मद महताब खान ने बताया कि झंडापुर के राजू चौधरी की 16 भैंस भिखारी यादव सहित अन्य लोगों ने मिलकर चुरा कर बेच दिया था। इस मामले में पूर्व में झंडापुर निवासी दयानंद यादव को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अन्य लोगों की भी संलिप्तता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मारुति कार से रंगरा पुलिस ने भारी मात्रा में किया देसी शराब बरामद। रंगरा थाना क्षेत्र के चापरढाला के समीप एनएच 31 सड़क मार्ग पर रंगरा पुलिस ने एक मारुति कार से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया है। शराब बरामदगी के बाद पुलिस ने कार सहित शराब को जब्त कर लिया है। वहीं शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। कार से पुलिस ने एक प्लास्टिक जार में 20 लीटर, दो डालडा के गैलन में 40 लीटर, एक प्लास्टिक के बोरी में 20 पैकेट एवं एक झोले में दो बोतल कुल 131 देसी लीटर शराब को बरामद किया है। नारायणपुर जेपी कॉलेज में विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित। जेपी कॉलेज नारायणपुर में गुरुवार को कॉलेज कर्मी नित्यानंद कुंवर के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर राजवंश यादव व संचालन शिक्षकेतर कर्मी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने किया। बैक च्वाइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोधार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294855586। बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371787 7325052437 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट।